नमस्कार, मु तपस्विनी। प्रिय दर्शक बंधु, जीवंत आहार को आपण को स्वागत जनाए। आज ध्यान निमंते जिसाय तीन पर्व तेर पदर चारि पर्व छः पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग ईश्वर संतोषजनक सौंदर्य। सदाप्रभु प्रतिवाद करने को ठिया होती, गोष्ठी मानकर विचार करने को ठिया होती। सदाप्रभु आपणा लोक मानकर प्राचीन वर्गर और अधिपति गणर सहित विचार रे उपस्थित हेबे। तुम्हें माने ही द्राक्षा क्षेत्र ग्रास करिअछ, दरिद्र मानक ठारो लुटित द्रव्य तुम्हें गृह रे अच्छी। तुम्हें माने जे आंभ लोक मानकु दळी पकाउअछ और दरिद्र मानक मुख घसी पकाउअछ, एथिरे तुम्हें मानकर अभिप्राय कौन? प्रभु बाहिनी गणर सदाप्रभु यही कथा कहंती। आहुरी सदाप्रभु कहिले, सिओनर कन्यागण अहंकारिणी और आपणा आपणा ग्रीवा लंबाई और कटाक्ष करी गमन करती। गमन करु करु चंचल पाद संचर और चरण रे ऋणुझुणु शब्द करती। हेतु प्रभु सिओनर कन्यागणर मस्तक काछुमय करिबे और सदाप्रभु सेमानंकर गुप्त स्थान अनावृत करिबे। से दिन प्रभु सेमानंकर गर्भस्वरूप नूपुर और जाली वस्त्र और चंद्राहार, कर्णभूषण और चूड़ी और घुमुटा, शिरोभूषण और पादर बड़ा और कटिबंधनी और अतरधानी और कवच और मुदी और नथ, उत्सवकालीन वस्त्र और आवरणीय वस्त्र और साल और गांजिया, दर्पण और सूक्ष्म वस्त्र और शिरोबंधनी और ओढ़णी काढ़ी पकाइबे। तहिरे सुगंधि द्रव्य बदल दुर्गंध पूज ओ कटिबंधनी परिवर्ते रज्जु ओ सुंदर केश विन्यास बदल केश शून्यता ओ आवरण वस्त्र परिवर्ते चटर पटुका सौंदर्य बदल पोड़ा दाग हेब। तुम्हार पुरुष मैंने खड़गाघात और तुम्हार विक्रमी गण युद्ध पतित हेबे। सिओनर नगर द्वार सकल शोक और विलाप करिवे और से अकिंचन हो भूमि बसवे। से ही दिन सात जन स्त्री जड़े पुरुष को धरी कहिबे, आम्भे माने निज अर्ण भोजन करिबु और निज वस्त्र पिंधिबु, केवल तुम्भ नाम आम्भे माने ख्यात हेउ, तुम्हें आम्भ मानकर अपमान दूर कर। से दिन इस्राएल मध्य बंचिथिबा लोक मानक निमन्ते सदाप्रभुंक शाखा मनोरम और गौरवान्वित हेबो, आउ देशर फल उत्तम और मनोहर हेबो। पुणी प्रभु जेतेबेळे विचारक आत्मा और दाहक आत्मा द्वारा सिओनर कन्यागणर मल धौत करिबे और जेरुसालम मध्यरु पहिर रक्त दूर करिदेवे, सेतेबेळे सिओनर जे खेई अवशिष्ट थाए और जेरुसालम रे रहे, अर्थात जेरुसालमस्थ जीवित लोकमानक मध्यरे जे प्रत्येकर नाम लिखित हुए से पवित्र बोली विख्यात हेबो। आउ सदाप्रभु सिओन पर्वतस्थ समुदाय आवास और तहार सकल सभा उपरे दिवस रे मेघ और धूम और रात्रि रो प्रज्वलित अग्नि रे तेज सृष्टि करिवे, कारण समुदाय प्रताप उपरे चंद्रताप विस्तृत हेबो। पुणी दिवस रे ग्रीष्म रु छाया निमन्ते आउ झड़ और वृष्टि रु आश्रय और आच्छादन स्थान स्वरूप हेबा निमन्ते एक आवास हेबो। आसंतु एही पाठरु आम्हे माने बुझिबा, ईश्वर विचारकर्ता रूप से उभा होई इस्राएल रो नेतागणर विचार कले। से जे केवल नेता मानक विचार कले ताहा नुहे, मात्र से मानक स्त्री मानकर मध्य विचार कले, जेउ माने आपणा स्वामी मानकर क्षमता को निजर विलास और आमोद प्रमोद निमते अपव्यवहार करूथिले। से मानक गर्व को खर्व कले और दिने से माने उपभोग करूथिबा गौरव को लज्जा रे परिणत करिवे। जदिओ ईश्वरंक न्याय विचार दुख और संतापजनक अटे, तथापि जेउ लोक माने एही विचार द्वारा परिष्कृत हेले से माने ईश्वरंक गौरव प्रकाश करिवे। आसंतु आम्भे माने एठारे ईश्वर किए अटंती ताहा देखिबा। ईश्वर मनुष्यर गर्व को संपूर्ण रूपे विचार करिवे। आम्भ मानक जीवनर कौनसी विषय को ईश्वरंक ठारु ऊर्ध्वरे रखिअछु कि नाही, ताहाकु आसु आम्भे माने परीक्षा करी देखु। सेही समस्त विषय गुड़िक निमन्ते ईश्वरंक ठारु विचारित हेबा पूर्वरु आसु आम्भे माने ईश्वरंक शक्तिशाली हस्त तळे आपणाकु नत करू।
ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତଦନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଅଛୁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ କି? ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଠିତ ଅଂଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସେହି ଧାର୍ମିକତାରେ ଆଚରଣ କରିବୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି।